हेलो, और क्या बोले, गुड नाइट या गुड इवनिंग, पता नहीं। आज रात में वापस आ गए हैं। संडे को वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, इसके लिए सॉरी रहेगा। और आपसे कनेक्शन बना रहे इसलिए मैं एक गाना अपलोड की थी, लेकिन गांव जाने के पहले एक वीडियो मेरे पास बना हुआ है, तो मैं उसे अभी एडिट करूंगी और सोमवार को अपलोड करूंगी। हालांकि मेरा वीडियो जो है सप्ताह में 2 दिन थर्सडे एंड संडे को आता है, लेकिन संडे को नहीं गया था, इसलिए मैं मंडे को अपलोड करूंगी। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, और ये शायद मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगेगा। और सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि सर जी फ्रेश हो रहे हैं, है ना। और आप लोगों को इसलिए अच्छा लगेगा कि हमारा जो संत एंटोनी ग्रुप है, वो फादर हमारे बारिश के जो छोटे फादर हैं, उनका एक कहना चाहिए फेयरवेल दिए। और मई महीना का जो जतरा बोलता है ना, प्रोसेशन, तो प्रोसेशन तो नहीं किया, लेकिन मई महीना के नाम पे एक छोटी मिशा पूजा हुई। क्योंकि मैं बार बार बतलाती हूँ, किसी भी शुभ काम को शुरू करने के पहले अपने अपने तरीके से लोग पूजा अर्चना करते हैं, तो उसी तरह से हम सब भाई बहन मिलकर के फादर के द्वारा मिशा की गई, और उसके बाद हम लोग सब कोई इकट्ठे मिलकर के फादर का एक छोटी विदाई गाना गाए, और फिर सामूहिक भोजन हुई, है ना। तो चलिए, फिर आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिए, मुझे लगता है शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। ईश्वर के प्रति जो भी पाप दोष गुनाह हुए हैं, उनकी याद करते हुए उनसे क्षमा याचना करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने जीवन मासी
तो यहाँ पर जो है फादर को एक छोटी गीत के द्वारा हमने विदाई दी और फादर अब एक साल ही हमारे साथ रहे और उस अनुभव को उसने हमारे साथ शेयर किए हैं। एक साल में मैंने बहुत सारे लोगों से मिला और बहुतों का मुझे प्यार मिला। ये मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का क्या सबब है जो मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। तो जैसे मैंने 2017 में भी एक बार आया था, करीब हमको लगता है 15-20 दिन जैसे आया था, तो उस समय मुझे कुछ कुछ प्रेम मिल गया था। और जब मैं मुझे दोबारा यहाँ आने का मौका मिला तब सचमुच मुझे लगा कि बोकारो के वासी प्रेम से घुले मिले हैं, मतलब मधु के रस से क्या बोलते हैं मिक्स हुए। और मतलब कभी भी मुझे ऐसा अकेलापन होने नहीं दिए और सबों ने बड़ी बढ़ चढ़ के मेरा हौसला बढ़ाए। और ये आपके द्वारा ही मुझे आज जो मैं वो आपके द्वारा ही और जो मैं बिना डर के निडर होकर के बोलता हूँ ये तो सबका कारण सबका श्रेय आप सभी का जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप सभी को मैं सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि जब कभी जरूरत पड़ी आप सबों ने मुझे खुलकर सहयोग दिया है। सब तो जिस तरीके से कि आप लोगों को दिखाई पड़ा कि फादर को एक छोटा सा हम सब मिल करके विदाई गाना गाए है ना, और साथ मिल करके एक साथ मिलजुल करके खाना हो रहा है जो कि आप लोगों को एक छोटी छोटी क्लिप के द्वारा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि रात का समय था तो बहुत कुछ नहीं बना पाए थे। तो जो है सो आप लोग देखिए कैसा लगा, आप लोग बतलाइएगा जरूर। तो कुछ बोलिए तब केवल खड़े हैं आप लोग, ऐसे थोड़े चलेगा। आज क्या हुआ सो बतला दीजिए आप लोग भाई। आज हम लोग सब यहाँ जमा हुए हैं फादर की विदाई के लिए, मिश्रा हुआ है और खाना पीना हम लोग मिलजुल के कर रहे हैं एक साथ। हाँ तो आप और आपका नाम बतलाइए। मेरा नाम आभा लकड़ा है। हाँ तो इन्हीं के यहाँ आज हमारा मतलब कि मिलना जुलना मई महीना का गिरजा हुआ और फादर की हम लोग एक छोटी सी प्यारी सी विदाई दे रही है। और आप मैं इनकी ननद हूँ। अच्छा तो चलिए आप सभी मिलके खुशी मिले, आप आइए हमारे वीडियो लास्ट भी नहीं किया गया था ना, तो शुरू की गई थी और ना ही अंत की गई थी।
तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए जरूर, और यदि अच्छा लगा तो आप लोग उसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे कोई नई कहानी के साथ, कोई नई जगह में घूमते फिरते हुए। आप लोग बने रहिएगा क्योंकि इसके बाद मैं गांव का दर्शन कराऊंगी। चलिए तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।